अब देखो दूसरा चक्र और समझो, सपोज करो तुम्हारे पड़ोसी की नौकरी चली गई, तुम्हारे पड़ोसी की नौकरी क्या हो गई, चली गई है। जब नौकरी चली गई तो का क्या हो गया, आय क्या हो गई, कम हो गई। जब नौकरी चली गई तो आय क्या हो गई, किसी भी कारण से एक इकोनॉमी में आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आय कम हो जाती है मतलब मुद्रा का संकुचन हो गया, पैसा नहीं है इकोनॉमी में, मुद्रा का क्या हो गया, संकुचन हो गया। मुद्रा का क्या हो गया, संकुचन हो गया, यानी इकोनॉमी में क्या नहीं है, पैसा नहीं है। अब क्या करें, पैसा नहीं है तो इकोनॉमी में क्या नहीं है, पैसा नहीं है, तो मुझे बताओ वो ही मम्मी क्या कहेगी, बेटा अभी कोरोना में हुआ था, नहीं हुआ था, हमारे पास में इनकम ऑफ सोर्स कम हुए थे तो हमारे खर्चे भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे। हम ऐसे बातें करने लग गए थे, यार पता नहीं अब तनख्वाह कब आएगी, पैसा कम खर्च करो, फालतू का खर्च मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कहते थे या नहीं कहते थे। तो जैसे ही मुद्रा अविस्फीति होती है, उसका मतलब है कि यानी किसी भी कारण से इकोनॉमी में आय कम होती है, तो एक आदमी क्या करता है, मांग कम करता है, क्या करता है, मांग कम करता है। ये क्या हो रहा है इस बोर्ड के। और जब मांग कम होती है, याद करो वो एक काकी का उदाहरण, सब ने आके कह दिया हमारा एक एक लीटर दूध कम कर दो, आरबीआई ने कहा है कि अगले 6 महीने कोई नोट नहीं छापे जाएंगे, आप अपने घर बैठो और आराम करो, कोरोना आ गया इसलिए। तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी, भाई काम कर, जरूरत हो बत्तो ही दूध लियो, बाकी कम कर दो, माथे लेके उधारी लेके क्या खाएंगे। आके तुमने कहा काकी को, काकी कल से मुझे 1 लीटर दूध कम देना, दूसरा बोलता है काकी कल से मुझे 1 लीटर दूध कम देना, तीसरा बोलता है काकी मुझे भी 1 लीटर दूध कम देना, यानी यानी मांग तो कम हो गई और पूर्ति क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तुम लोगों ने क्या कर दी, मांग तो कम कर दी और काकी तो गाय भैंस वगैरह सब ले आई थी, पूर्ति ज्यादा है। अब काकी क्या करेगी, ए बाबा कोई बात नहीं ले जा, काय को दूध कम पीता है, ले जा हुया हुया दे दीजिए, यू नो हुया हुया यानी धीरे धीरे दे देना। काकी क्या बोलेगी, एक काम कर, सुन तेरे मेरे बीच में रहेगी, 100 रुपए मत देना, 70 रुपए में ले जा तू तो दूध, पर कोई को बताना मत। करेगी नहीं करेगी, जब सामान ज्यादा बेचना होता है, वो सामान मेरे पास पड़ा पड़ा बेकार होता है, तो हम उसको कीमतों में कम करके, ऑफर देके, एक के साथ एक फ्री करके, कैसे भी करके हम क्या करते हैं, उसको सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कीमतों में कमी होगी। अब काकी को क्या हो रहा है, घाटा। तो काकी करेगी, यार कब तक ऐसे पोसाऊंगी, ये गाय चारा खा रही है, कितने मैंने आदमी लगा रखे हैं काम के लिए और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है,
मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। अनीता टॉपिक पूरा करेंगे यार, मुझे कोई भी क्या नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, तो फिर क्या करे? तो क्या करेगी? कीमतों में कमी होगी तो वो अपने यहाँ पे उत्पादन को कम कर देगी, उत्पादन को क्या कर देगी, कम कर देगी, उत्पादन कम कर देगी, मतलब गाय भैंस बेच देगी, कुछ भी कर देगी, है ना? कि भाई ठीक है, अपने तो उतना ही काम करो जितना है। अब वो जो मैंने ऐसा रोजगार रखा था, क्या करूंगी मैं? उनको नौकरी से हटा दूंगी। क्यों हटा दूंगी? जब मैं कमाई नहीं रही, मैं खाई नहीं रही, मैं बचाई नहीं रही, तो मैं लोगों को रोजगार में क्यों रखूंगी? और जब मैं लोगों को रोजगार में नहीं रखूंगी, नौकरी से क्या करूंगी? उनको हटाना शुरू कर दूंगी। इसका मतलब रोजगार में क्या होगी? कमी आएगी। और जब रोजगार में कमी आएगी तो इसका मतलब आय में भी क्या होगी? कमी आएगी। और इसी चक्र को हमने क्या कहा है? मुद्रा अविस्फीति का है। मंदी की स्थिति का है। मुद्रा अविस्फीति का मतलब कीमतों में कमी होना। और जब कीमतों में कमी होती है, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। अभी समझाऊंगी इसको क्या है मुद्रा का मूल्य। आज तो मेरी YouTube पे और क्लास है, उतारो। उतार लिया क्या? अब देखो इकोनॉमी में क्या होता है। या तो कीमतें बढ़ती है या कीमतें घटती है। कभी कीमतें बढ़ती है, कभी कीमतें क्या होती है? घटती है। ये देखो, और अभी भी मैंने आपको बताया, यदि इकोनॉमी में कीमतें बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये देखो, ये कीमतें बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, ये कीमत है। देखो बेसिकली ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये एक साल, ये जैसे 2091 मान लो, ये 2092 मान लो, ये 2093 मान लो, ये 10 रुपए मान लो, ये 20 रुपए मान लो, ये 30 रुपए मान लो, सपोज करो ऐसे हो रहा है। इसका मतलब कीमतें बढ़ रही है, यानी 1991 में 10 रुपए थी, 1992 में 20 रुपए थी, 1930 रुपए थी। ये देखो ये कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, यानी कीमतें घट रही है, समय के साथ में कीमतें घट रही है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? मुझसे बोलो ये क्या हो रहा है? कीमतें बढ़ रही है। और इसी कीमत बढ़ने को हम क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति कहते हैं। मुद्रा स्फीति कहते हैं। अब जब इकोनॉमी में तीव्र गति से कीमतों में वृद्धि होती है, बहुत तेज गति से कीमतों में वृद्धि होती है, तो क्या होती है? मुद्रा स्फीति होती है। पर क्या सरकार चुपचाप से बैठी रहेगी क्या? मुद्रा स्फीति होने पर भी क्या सरकार कुछ नहीं करेगी? ऐसा थोड़ी होगा। तो सरकार क्या करेगी? विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाएगी। कौन कौन से उपाय अपनाएगी? जैसे हो सकता है मौद्रिक उपाय अपनाए, हो सकता है राजकोषीय उपाय अपनाए, हो सकता है अन्य उपाय अपनाए। यानी यहाँ पर अब जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है, तो क्या करेगी सरकार? कुछ उपायों को अपनाएगी, उपाय अपनाएगी। और वो उपाय कौन कौन से होंगे? वो उपाय कौन कौन से होंगे? हो सकता है वो मौद्रिक उपाय हो, हो सकता है वो राजकोषीय उपाय हो, या फिर वो अन्य उपायों को अपनाएगी। ठीक है,
बात समझ पा रहे हैं? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ, आप नहीं बताओगे जब तक आगे नहीं बढ़ रही मैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझसे बोलो, कीमतें घट रही है। तो ये जो कीमतें घट रही है इसको हमने क्या नाम दिया है, मुद्रा अवस्फीति का। किसका नाम दिया है, मुद्रा अवस्फीति का। अब मुझे आप में से जवाब देगा और जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, स्पष्ट बोल दिया है। यहां पे क्या हो रहा है, ये स्थिति कौन सी स्थिति है, ये वाली बताओ, ये स्थिति कौन सी स्थिति कहलाएगी, बताओ। ये स्थिति कौन सी स्थिति कहलाएगी, कीमतें घट रही है तो क्या ये मुद्रा अवस्फीति कहलाएगी, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि मुद्रा स्फीति तब कहलाते हैं जब सामान्य कीमत स्तर से कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि हो, और अवस्फीति कब कहलाती है, जब सामान्य कीमत स्तर से कीमतों में तीव्र गति से कमी हो। ये जो स्थिति कहला रही है, ये स्थिति बेसिकली मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए हमने जो तीनों उपाय अपनाए उसके कारण सामान्य कीमत स्तर की तरह ये तीनों उपाय हमने अपनाए हैं उसके कारण ये सामान्य कीमत स्तर की तरफ जा रही है इकोनॉमी, ये मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय है। तो इन्हें हम कहते हैं मुद्रा विस्फीति। इसे कहेंगे, और ये जो कीमतें बढ़ रही है ये बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जैसे ही मंदी आती है और मंदी आने के कारण सरकार वापस से तीनों उपाय अपनाती है, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपायों को अपनाती है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि होना प्रारंभ होता है, और इसे ही हमने क्या कहा है, मुद्रा संस्फीति। क्या कहा है, मुद्रा संस्फीति। यहीं से एक प्रश्न आ जाता है, मुद्रा स्फीति के रोकने के उपायों को क्या कहते हैं, विस्फीति, और मुद्रा अविस्फीति के रोकने के उपायों को क्या कहते हैं, संस्फीति। बात समझ में आ गई क्या, यानी मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, केवल कीमतों में वृद्धि को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को बोलते हैं। देखो कीमतें तो यहाँ भी बढ़ रही है पर ये सामान्य कीमत स्तर से नीचे बढ़ रही है, इसलिए हम इसको मुद्रा स्फीति नहीं कहते। तो मुद्रा स्फीति किसे कहेंगे, सामान्य कीमत स्तर से कीमतों में वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो।